तो 14 नंबर श्लोक है आज, तो इस पे दो में तात्पर्य है। ततो मे मातरम ऋषि समानियो निजाश्रमे निजाश्रमे आश्रय इह उषतम वत्से यावत् ते भर्तु आगम। प्रह्लाद महाराज ने आगे बताया, परम संत नारद मुनि मेरी माता को अपने आश्रम ले गए और सभी प्रकार की सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा, मेरी बेटी, तुम अपने पति के वापस आने तक मेरे आश्रम में रहो। तथा इति आश्वासितो देव ऋषि अंतिकेश अकुतो भयम् जावद्यत्त पति घोरात तपसाना नयवर्तत। देवश्री नारद ने नारद के आदेश अनुसार उन आदेश अनुदेश को मानकर मेरी माता किसी प्रकार के भय के बिना उन्हीं के देखरेख में तब तक रहती रही जब तक मेरे पिता अर्थात दैत्यराज अपने घोर तपस्या से मुक्त नहीं हो लिया। ऋषिं पर्यचरा तत्र भक्ता परमयशति अंतर्वर्तिनि सगर्वश सीमाय इच्छा प्रसूयेत। शब्दार्थ ऋषिम नारद मुनि की परिचरात सेवा करती रही तत्र वह नारद मुनि के आश्रम में भक्तिया श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक परोमया परम क्षति आज्ञाकारी स्त्री अंतर्वर्ती वर्तिनी गर्भवती स्वगर्भस्व अपने गर्भ के सेमाए कल्याण के लिए इच्छानुसार प्रसूतये संतान उत्पन्न करने के लिए अनुवाद तात्पर्य शिलाभा है चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, मेरी माता गर्भवती होने के कारण अपने गर्भ की सुरक्षा चाहती थी और चाहती थी कि पति के आगमन के बाद संतान उत्पन्न हो। इस तरह वह नारद मुनि के आश्रम पर रहती रही जहाँ वह अत्यंत भक्तिपूर्वक नारद मुनि की सेवा करती रही। तात्पर्य आप लोग तात्पर्य भागवत श्री भागवतम 9:19-17 में कहा गया है, मात्रा सोहित्रा दुहिता ना विभक्त शने भवेत बलवान इंद्रियाग्राम विद्वन विद्वन सोपी कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि वह स्त्री के साथ एकांत में ना रहे, चाहे उसकी माता बहन या पुत्री ही क्यों ना हो। यद्यपि एकांत स्थान में पुरुष को स्त्री के साथ रहने के लिए पूरी तरह से वर्जित किया गया है, तो भी नारद मुनि ने प्रह्लाद महाराज जी के तरुणी माता को आश्रय दिए और जो अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करती रही। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि नारद मुनि ने वैदिक आदेश का उल्लंघन किया है? निश्चित ही नहीं है। ऐसे आदेश संसारी प्राणियों के लिए है। नारद तो संसारी श्रेणी से परे है,
वह महान संत है और दिव्य पद पर स्थित है। अतएव स्वयं तरुण होते हुए भी वे एक तरुणी स्त्री को शरण देकर उनकी सेवा स्वीकार कर सकते थे। हरिदास ठाकुर ने भी ऐसे एक वेश्या तरुणी से रात्रि के गहन अंधकार में बातें की थी, लेकिन वह स्त्री उनके मन को विचलित नहीं कर पाई। उल्टे हरिदास ठाकुर के आशीर्वाद से शुद्ध भक्त अर्थात वैष्णवी बन गए हैं। किंतु सामान्य लोग को ऐसे महान भक्त की नकल नहीं करनी चाहिए। उन्हें स्त्रियों के संगति से दूर रहकर विधि विधान का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी को नारद मुनि या हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेना बुझाए। बड़े से बड़े विद्वान भी वैष्णव के आचरण को नहीं समझ सकते हैं। कोई भी बिना भय के किसी भी वैष्णव की शरण में जा सकता है। अतएव पिछले श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि देवर्षिर अंतिके साकुतो भयो। प्रहलाद महाराज की माता कयाधु सभी प्रकार से भय से रहित होकर नारद मुनि के संरक्षण में रहती रही। इसी तरह से नारद मुनि अपने दिव्य पद के कारण उसी तरुणी के साथ अविचलित भाव से रहते रहे। नारद मुनि हरिदास ठाकुर तथा ऐसे ही आचार्य जिन्हें भगवान के यश का प्रचार करने की विशेष शक्ति प्राप्त है, कभी भी भौतिक पद तक नीचे नहीं उतार सके। अतएव सर्वथा वर्जित है कि आचार्यों को सामान्य मनुष्य माना जाए। गुरुषु नरमति ही ओम अज्ञान तिमिरंधस्य गणांजन शलाके सक्षमितम जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनविष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति शापदान्त्यम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदमलम श्रीगुरोन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजन संहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिरोषखणितं च नमो अं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम पदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतेश नमः। पंचतत्तात्मकं कृष्णं भक्तरूपसर्वकं भक्तावतरं भक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुति देवी प्रणामामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरे कृष्ण। आज के प्रातकालीन सत्र में सबको हार्दिक स्वागत है। सबसे प्रार्थना है आप लोग कृपा कीजिए हम इसमें कुछ बोल सके। तो प्रभुपद इस तात्पर्य को अलग मोड़ दिए हैं, क्योंकि इसमें क्या है आप लोग सुनते आ रहे हैं कि कैसे कयाधु को इंद्र जब तपस्या के लिए गए, ऐसे भक्तों कैसे इनके मतलब जन्म लिए, ये भी एक कारण है। एक बार पहले भी हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौट के आए थे। जब तपस्या करने गए थे इसी समय क्या हुआ, वो ब्रह्मा इंद्र और कोयल या तोता बन के आके जो तपस्या करता मंदिर में वह क्या करता था, विष्णु विष्णु बोलता था। इसलिए विष्णु शब्द उसका बहुत चिर था। तो वो ध्यान कर ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय, ये विष्णु विष्णु बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। वो तपस्या में डिस्टर्ब होकर भाग के आ गए। जब कयाधु से मिल रहे थे पुत्र उत्पन्न के लिए, इसी समय उसको विष्णु का याद आ गया था। बोला ये डिस्टर्ब होकर मैं आ गया, विष्णु विष्णु विष्णु
डिस्टर्ब कर दे। इसी समय उनके गर्भ हुआ, प्रहलाद महाराज जी कायाधु के गर्भ में उनके जन्म। यही कारण है एक भक्त बनने का। ये नरसिंह पुराण में इसकी कथा है। तो ये भक्त बने। तो इसी प्रकार ये बताते हैं कि कैसे इंद्र जी लेके जा रहे थे, जब उन तपस्या में गए तो वो इंद्र आए, सबको मार धर करके कायाधु को लेके जा रहे थे, गर्भवती थी, तो कुरर पक्षी के जैसे रो रही थी। लेकिन तभी नारद जी आए, नारद जी आके बताए भक्तों है, तो भक्तों को कोई नए मारे। चैतन्य महापुरुष सची माता से कहते, कृष्ण रे सेवक माता कोबु नहे नाश, काल चक्र डराए देखी कृष्ण दास। तो सची माता से कहते हैं, माँ कृष्ण भक्त को भी कोई नाश नहीं कर सकते, किसी कोई नष्ट नहीं कर सकते हैं, कितना भी कोई कोशिश करे तो अपने काल चक्र स्वयं काल भी उनको नष्ट नहीं कर सकते हैं, काल चक्र की हिम्मत नहीं है। देखिए गर्भ में कौन है, भगवान की शुद्ध भक्त है, काल चक्र की हिम्मत नहीं है उसके कुछ करने के लिए। डर वो भी डरते हैं कृष्ण भक्तों को देख कर। गर्भवास जत दुख जन्म बा मरणी, कृष्ण रे सेवक माता किचु नहीं जाने। तो क्या है, 36,000 साल गर्भ में रहा, 100 साल देवता लोग के 36,000 साल हमारे यहाँ के समय में। तो गर्भवती रहना भी कितना कष्ट है एक माता के लिए। लेकिन प्रहलाद महाराज तो उनके गर्भ में कोई कष्ट नहीं है, तो बोलते हैं कृष्ण माता, कृष्ण सेवक माता को काल गर्भवास है जत दुख जन्मवरण, कृष्ण के सेवक कुछ पता नहीं है, कृष्ण के जो सेवक कुछ पता नहीं है, उनको मर रहा है कि जी रहा है कि गर्भ में है कहाँ पे है, इतने दुख हो रहा है कुछ उनको पता नहीं है। ऐसे होता हरिदास को जब पीट रहा था, कभी कोई किसी को भलाई चाहेगा, कोई चाहेगा उसको पीट रहा है, वेदों पीट रहा है, कोई गलती नहीं किया, कोई चाहेगा भलाई तो उसको कोई दुख नहीं है। तीसरा प्रहलाद महाराज, तो प्रभुपाद जी सतार को ये कराते हैं कि ये जाके तो देवर्षि ऋषि जी अपने आश्रम में ले गए और उनको आश्वासन दिए, जब तक आपको पुत्र उत्पन्न ना हो तब तक तो मेरे आश्रम में रहना, आप निर्भय होकर यहाँ रहना। तो ऐसे ही रही और आज की जो श्लोक है, श्रद्धा के साथ नारद जी की सेवा भी करते रही। तो ऐसे स्थिति में कोई भी ब्रह्मचारी हमारा, हम लोग अभी जो है, कोई स्त्री ऐसे परिस्थिति में हो, किसी का हेल्प करने जाओगे, हेल्प कर सकते हो, कोई भी उसको दूसरे स्थान में पहुंचा सकते हो, अपने कमरे में लेके आना, अपने रिस्क में रखना, ये रिस्की है, कभी नहीं रह सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी सतर्क किया, नारद ऋषि, नारद जी, हरिदास ठाकुर, रामानंद राय, इनके लिए ये महाप्रभु रामानंद राय की चैप्टर से सतर्क कर दिया। एक रामानंद है यह अधिकार, ताते जानी अप्राकृत देहो जेताहार। ध्वनित अर्थ यही है कि केवल और केवल महापुरुष के गण जो थे, महापुरुष स्वयं बोलते मेरे मुझ में ये अधिकार नहीं है कि स्त्री के बात करे या नाम भी ले उच्चारण करे, महापुरुष इतना कहते हैं। दर्शन दूर रहु प्रकृतिर नाम यदि सुनी तो भी विकार पाए मोर तनमान, स्त्री दर्शन स्थिर है प्रकृति दर्शने, वो भी स्त्री भी नहीं बोलते हैं क्या, प्रकृति दर्शन स्थिर है कौन जान, मतलब सभी के लिए, एक रामानंद को छोड़कर सबके लिए निर्देश है। ऐसी स्थिति में कोई स्त्री है, कोई माता जी है तो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अपने आश्रम में नहीं, हमेशा दूर रहना है, क्योंकि हम उस स्टेज में नहीं है। महानुभाव जी है प्राकृत दोषेतर दोष ना जन्माए, हम महानुभाव नहीं हुआ है, जो महानुभाव है उनका प्राकृत दोष में उनको दोष नहीं जन्म होते हैं। वो वास्तव में ये तत्व के बारे में जानते हैं, ये बॉडी के बारे में क्या, हमारा बॉडी में क्या है, दूसरे जो बॉडी है वो क्या है, इसके अंदर तत्व से जानते हैं प्रभुपाद जी, बार बार तत्व। तो इसलिए
ये प्रभुपाद जी बिल्कुल पहले ही क्या है, माता, उसके बाद बहन, पुत्री, पुत्री भी साथ में हो फिर भी अपने सावधान, एकांत में नहीं रहना चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए ज़्यादा, तो ये सतर्क होते। दूसरी की बात तो छोड़ दो, हजारों घटनाएं से होते गया है, गीतार संसार हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये प्रभुपाद बहुत सतर्क देते हैं, एक महापुरुष सतर्क करते हैं, केवल और केवल रामानंद राय कि इसमें अधिकार है कि स्त्री को स्पर्श करना, उनको श्रृंगार करना, उनको नित्य भंगी सिखाना, एकांत में भी, एक गार्डन के अंदर कोई नहीं है, केवल और केवल उनकी अधिकार है, दूसरे किसी का नहीं, महापुरुष बोलते हैं। और इससे हमें पता चलता, महापुरुष कहते क्या कहते हैं, इनकी शरीर क्या है, अप्राकृत है। जब तक प्राकृत शरीर रहेगा रिस्की है, कितनी बार ऊंचे चले जाओ तो भी आपकी रिस्की है, बड़े बड़े। यही हरिदास ठाकुर की बात, हरिदास ठाकुर की, जब हरिदास ठाकुर को उल्लेख किया, एक स्त्री आई एकांत में बातचीत किए, उनको उनके मन को लुभाने चाहे, तो वो बाद में चकित हो गई कि क्या है, बड़े बड़े मुनि का मन जो भ्रमित हो जाते हैं, ये हरिदास ठाकुर भ्रमित नहीं हो रहा, एकांतों में कोई स्त्री आई, बड़े बड़े मुनि ऋषि सबके मन भ्रमित हो जाते, ये इसके मन विचलित नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार ये प्रभुपाद जी दोनों उदाहरण दिया, रामानंद राय चैतन्य महापुरुष सतर्क कर दिए कि केवल मेरे गण में से रामानंद की अधिकार है, किसी का नहीं है। तो ये सतर्क वाणी, ये पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद यही बताए हैं। तो इसमें क्या सेवा नहीं करना, ऐसे कोई परिस्थिति में कोई स्त्री है सेवा नहीं करना है, उनको हेल्प नहीं करना है, करना है, लेकिन तुरंत थोड़ी समय में हेल्प करके अपनी जा उनके सुरक्षित स्थान में पहुंचा देना है, ऐसे स्थिति में रखना है। नहीं तो कोई बोले नहीं, ऐसे कोई भी स्त्री कोई माताएं है कोई ऐसी परिस्थिति में कोई सेवा नहीं करे, हेल्प नहीं करे, और कोई है ही नहीं, तो इसे हेल्प करना चाहिए, लेकिन थोड़ी समय के लिए हेल्प करके सुरक्षित स्थान में पहुँचा देना चाहिए। तो ये है, तो इसके तात्पर्य यही प्रभुपाद जी बताते हैं, ये नारद जी के लिए संभव है, सत्रीस हजार साल तक रहे उनके आश्रम में, तो नारद जी के लिए है, हमारे लिए नहीं है। वो महानुभाव जो है दिव्य स्थिति में है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, इनके लिए हमें कटाक्ष नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के नियम को नहीं लगाना चाहिए इनके लिए। जो फ्लाइट जो ऊपर चढ़ते हैं चलते हैं उसके रोड का नियम फॉलो नहीं करना पड़ता है, रेड लाइट है बंद करो, नहीं ऐसे नहीं है, वो अपने इससे चलेगा, तो वो उन लोगों का दिव्य स्थिति है। तो हम लोग अभी और दूसरी जो आज महान आचार्यों वृंदावन की पुनोद्धार की अधिनायक पहले व्यक्ति जो है, आप लोग नाम सुने हैं, लोकनाथ लोकेरो जीवन, उन्होंने मना किया था कोई भी रचना करना है मेरा नाम उल्लेख नहीं करना, नरोत्तम दास ने मना किया था कि मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा, फिर भी दो एक दो जगह लिखा है, और एक भजन में लिखे है, मना किया बिल्कुल। चैतन्य चरित में कविराज गोस्वामी भी उनसे आज्ञा मांगने के लिए गया, बोले ठीक है मैं आज्ञा दूंगा, लेकिन चैतन्य चरितमृत में मेरे बारे में नहीं लिखना, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि उसी समय थे, रूप सनातन जब उनको आज्ञा मांगे उसी समय ये रूप सनातन आदि नहीं थे, रघुनाथ दास गोस्वामी भी शायद थे, तो ऐसे उन्होंने उनकी गोपाल भट्ट गोस्वामी मना किए थे। इसी पर इसलिए उनको उनके बारे में ज़्यादा हमें कुछ मिलता नहीं है, एक दो केवल सूत्र वर्णन आदि में थोड़ा मिलते हैं। तो दूसरे आचार्य लोग ने एक्चुअली समस्या ये है कि पहले इतनी विनम्र होते, अभी तो साधारण लोगों की इतनी मोटी मोटी किताब लिखा जाता है बायोग्राफी, लेकिन इन लोगों का बायोग्राफी दो पेज में भी नहीं मिलता है। अरे इतनी महान है, इतनी कठोर तपस्या किया है,
तिनके पूर्वज जो है पद्मनाव चक्रवर्ती और सीता देवी, बांग्लादेश जशोर जिला तारखेरी नाम में उनकी जन्म हुआ। ये भी अद्वैत आचार्यों के शिष्य पिताजी पद्मनाव चक्रवर्ती जी भी उनके शिष्य है और उनसे भागवत आदि पढ़ाई किए हैं। संस्कृत अपने उन्होंने शिक्षा समाप्त करके अपने तारखेड़ी में जाकर उन्होंने अपने चतुष्पाठी विद्यालय खोलकर पढ़ा रहे थे। इसी समय लोकनाथ के जन्म हुआ। उनके जन्म जो है महापुरुष से 2 साल बड़े हैं। महापुरुष का कब है? 1486 अरे 84 में इनकी जन्म हुआ। और इनके तो बचपन से ही बड़े विरक्त थे। पहले ही अपने पिताजी के पास पढ़ाई चतुष्पाठी में पढ़ाई किया। उच्च शिक्षा के लिए आए अद्वैत आचार्य के पास। उन्होंने भागवत के अध्ययन किए, दूसरे शास्त्र का अध्ययन किए। उसी समय नवद्वीप में निमाई पंडित से उनके साक्षात्कार हुआ। निमाई पंडित भगवान तो भगवान ही होते हैं, मनुष्य हो चाहे बाराह हो चाहे नरसिंह हो, लेकिन उनके दिव्य रूप को दर्शन करके उन्हें मोहित थे। लेकिन उनकी चाह तो था उनसे मिलने के लिए, लेकिन ये क्या था? निमाई पंडित भक्ति नहीं करते थे, भक्त को चीरते थे और ज़्यादा। हाँ, भक्त को पकड़ पकड़ के वो सूत्रों के बारे में वर्णन करो, व्याकरण के सूत्रों को यही चर्चा करते थे निमाई पंडित। तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा। भागवत पढ़ के वो गांव में चले गए। पिता माता भी बहुत उनके पहले से विषय से बहुत विरक्ति थे। माता पिता चाह रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे ये शादी करके घर पे रहे। हर माता पिता लगभग भक्त होने से भी नहीं चाहते कि वो, बहुत कम है माताएं जो विदाई दे देते अपने पुत्र को, जाओ अब ब्रह्मचारी बन जाओ, सन्यासी बनो भले यहाँ पे। तो इसी प्रकार वो चाह रहे थे कि ये गृहस्थ बने और इस विद्यालय को संभाले। लेकिन इनकी मन में जब ये शादी के बारे में सोच रहे थे, उन्हें बोला अभी हमें भागना है। तो अग्रण महीना के ठंडी के ऋतु में महापुरुष जो सन्यास लेंगे, अभी पोष मकर संक्रांति के समय इसी अग्रहण महीना में उन्होंने एक दिन रात को घर छोड़कर रात ही ठंडे में भागे। कोई रोड नहीं, कैसे वो भागते भागते इतनी तक चले, 8 क्रोश रात, 8 क्रोश पहुंचने के बाद उन्होंने दीन हुआ। कब आए उन्होंने? जब चैतन्य महापुरुष संकीर्तन आंदोलन प्रचार की शुरू किया तब। इसके पहले आए नहीं, निमाई पंडित के पास नहीं आए। तो ऐसे महापुरुष भी सोच रहे थे इनके बारे में। तभी उन्होंने कोई दिन में ज़्यादा दूर नहीं है, नवद्वीप के बाद में वो जशोर जिला है, पद्मा नदी, फिर भी तो दूर है। तीन चार दिन में आके पहुँचे। महाप्रभु भक्तों के साथ कीर्तन मंडली में बैठे थे। इसी समय आके लोकनाथ गोस्वामी मिले, उनके चरण में प्रणाम किए, साष्टांग दंडवत किए। महाप्रभु उठाए, उनको आलिंगन किए, अपने आँखों के जल से भिगा दिए उनके शरीर को और कहने लगे, जैसे अंधों को नेत्र मिला ऐसे तुमने लोकनाथ कहाँ थे हम लोगों को छोड़कर। तब आए, बहुत आनंदित होकर कीर्तन आदि किए, आनंद में रहे। उन्होंने यही सोच रहे थे, मैं अपने सारा जीवन चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहूँगा, उनके साथ में रहे अपने जीवन बिता के इस आनंद। महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के प्रचार एवं आस्वादन करके एवं प्रचार करके अपने जीवन बिताऊंगा, ब्रह्मचारी जीवन। 5 दिन बाद कितना दिन रहे महापुरुष के डायरेक्ट एसोसिएशन जीवन में और नहीं मिला। भक्ति होने के बाद केवल 5 दिन, 5 दिन के बाद चैतन्य महापुरुष एकांत में लेकर बहुत सारे बात किए हैं महापुरुष क्या करने चाहते हैं।
महाप्रभु क्या करने चाहते ये बताए एकांत में, और बताए कि राधारानी के बारे में बताए महाप्रभु कि राधारानी ऐसे है, कृष्ण इतना निष्ठुर है, उस दिन रात 24 घंटा जिसके लिए पागल है, उदासीन है, इतने दिन रात 24 घंटा और कृष्ण निष्ठुर कृष्ण उनकी ओर देखते ही नहीं है। तो एक दिन तक यदि कृष्ण को नहीं देख पाए तो उसी दिन उनका पल पल एक युग युग बीतते है, ऐसे राधारानी की दशा है। बोले इसी भक्ति को मैं प्रचार करूंगा। लोकनाथ गोस्वामी बताया कि वेद व्यास ने इतनी किताब लिखे है, इसके क्या राधारानी के बारे में वर्णन नहीं किया है? इस भक्ति आप जो करने से नहीं, बोले कि इसके डायरेक्ट वर्णन इन्होंने बहुत कम किया है। तो राधारानी सब तो कृष्ण के भक्त हो, व्यासदेव ने सारे कृष्ण भक्ति के लिए, मैं कृष्ण भक्ति नहीं, मैं स्वयं कृष्ण हूँ, मैं राधा भक्ति को सिखाऊंगा, राधा की आचरण कैसे है ये मैं दिखाऊंगा, राधा की क्या भावनाएं हैं। तो वो मुझे इतना प्रेम करती हैं कि इसलिए उन्होंने मेरे रंग वाले कपड़े हमेशा पहनती हैं, वो कोई दूसरे पुरुष के कभी दर्शन नहीं करती है। कितने भी मान करे मुझे एक बार एक क्षण के लिए मेरा दर्शन मिल जाते हैं तो आनंद में खिल जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तो इस राधारानी के भाव को मैं प्रकट करवाऊंगा, इसी भाव को प्रकट करूंगा। अभी राधा की भक्ति करना है, राधा की भक्ति सिखाना है। तो हम लोग में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन मेन गौड़ीय संप्रदाय में राधा भक्ति सिखाते हैं, राधारानी के भाव को सिखाते हैं। तो इसलिए राधारानी जब चले गए, विरक्ति होकर वो अरुण वसन पहनी थी राधारानी, बोला मैं वही वस्त्र पहनूंगा और राधारानी के जो भाव है उस भाव और उनके कांति को लेकर मैं प्रचार करूंगा, इनके भाव को जैसे वो विलक्ति थी, जैसे भावना उनके मन में थी, बिल्कुल मैं डीटू उसी भावना को लूंगा। ऐसे करके तुम चले जाओ और मेरे बहुत प्रिय स्थान है वो लुप्त तो हो गया, आप क्या नहीं चाहते हो लोग जाके भगवान श्री कृष्ण के राधारानी के इस लीला स्थान को लोग आके जाने? तीस कार्यों के लिए मैं तुम्हें वृंदावन भेजना चाहता हूँ। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं प्रभु मैं आदित्याचार्य से भागवत अध्ययन किए हैं, मुझे वृंदावन के बारे में मुझे पता है। बोला नहीं तो फिर भी आपको जाना पड़ेगा। वो समझा रहे थे ये महिमा है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे ये महिमा है वृंदावन की, मतलब मुझे सब पता है, मुझे तो आपके साथ रहना है। तो महाप्रभु बोलते देखो तुम मेरे साथ रहने चाहते हो लेकिन मैं तुमसे जो करवाना चाहता हूँ आपका उचित है वही कार्य करना, नहीं तो कैसे सभी लग वृंदावन में रहूँगा। तो ऐसे बोलने से कैसे वृंदावन को ला पाएंगे? आज मैं मंगल आरती, कितने लोग अभी भी कितने लोग हैं प्रभुपाद ऐसे नहीं करते, वृंदावन में भजन कर करके अपने जीवन बिताते, हम लोग कहाँ होते, ये वैशेषण में होते। इसी प्रकार बोला नहीं आप मेरे साथ रहोगे मुझे भी सुख मिलेगी लेकिन आपको जाना पड़ेगा वृंदावन में, मैं पीछे रूप सनातन आदि को भी भेजूंगा, आप ये सारे लोग तो तीर्थों को जाके उद्धार करो जाओ। ऐसे बोल के और इसी समय गदाधर पंडित के एक शिष्य थे भूगर्व गोस्वामी, उनके अपने आप से इच्छा था वृंदावन आने के लिए भूगर्व गोस्वामी। तो इसके लिए महाप्रभु जब पता चले कि भूगर्व गोस्वामी जाने चाहते हैं, लेकिन तभी इधर आना इधर रहना बहुत तकलीफ था। आप लोग जानते हैं इसकी कुछ दिन बाद में सनातन गोस्वामी आएंगे तो उनके लिए केवल 8 रुपया था, उनके जान के कितने खतरे थे, उनको मर्डर करने वाले थे। वो तो सनातन बुद्धिमान है बच गया, नहीं तो दोनों का गर्दन रात को उड़ जाता। वो बोले कि आज तुम हमारी दुर्बोले में आज कर राते भालो कहिला तुम्हें बासिलाम पाप होते। कहते हैं वो जो भूमिक थे जमींदार थे, कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा हुआ आपने पैसा ऐसे ही दे दिया, आपने कह दिया, नहीं तो आप दोनों को मर्डर करके पैसा लेने वाले थे। तो कितने खतरे थे कि वो गाड़ी नहीं था, पैदल चलना था,
कोई लोग ऐसे कोई रोड बना हुआ नहीं था, जंगल जंगल की पगडंडी से चलना होता था, इसलिए कितने खतरे थे। वो सोच रहे थे कैसे चलूँ। तो इसे लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु को आज्ञा को लेकर उनके चरण आशीर्वाद लेकर संन्यास लेने से थोड़े पहले, कई कई कहते हैं कि एक दिन पहले, तो उन्होंने वृंदावन की ओर चल पड़े। चलते चलते अयोध्यादि गया आदि दर्शन करके धीरे धीरे 23 दिन में आगरा आके पहुंचा। 23 दिन में आगरा आके पहुंचे, आगरा फिर आगरा से 3 दिन में इधर आके पहुंचे। वृंदावन में गोकुल गए, यमुना मथुरा आए, यमुना जी स्नान किए, तो उसके बाद सभी स्थान धीरे 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 सभी लोग दर्शन सभी स्थान दर्शन किए। और महाप्रभु बता दिए मंजुलाली है इनके नाम, मंजुलाली इनके नाम है। बोला कहाँ पे आपको कुंज है वो भी महाप्रभु बता दिए। बोला चीरघाट, निधुबन और जो बंशीवट, इसके निकट में आपका स्थान है नित्य लीला में, जो आप मंजुलाली के हिसाब से आप जो सेवा करते हो, जो गोकुलानंद मंदिर है वही दिव्य धाम में लोकनाथ गोस्वामी जो भगवान की सेवा करते हैं वही पर उनकी कुंज है मंजुलाली की। जो गोकुलानंद मंदिर है दिव्य धाम में, दिव्य स्थान में हमेशा वहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी की सेवा है। ये भी दिव्य है, हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो यही पे वो जो जो पार्टिकुलर जगह है वही पे उनकी सेवा है नित्य स्वरूप में मंजुलाली के रूप में। तो महाप्रभु पहले ही बता दिए थे संकेत में, क्या कि यही चिरघाट के पास में जमुना जी के तट पे हैं, इधर निधुवान हैं, उधर बंशीवट, इसके बीच में आपके स्थान है। तब लोकनाथ गोस्वामी आए, घोर बन कोई नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, बुर्जर थे और अक्रूर गांव ये सभी थे, और ये जंगल था, अभी भी जंगल है, ईट की ईट बिल्डिंग की जंगली इतनी दिखाई नहीं देता है कुछ, इतनी बड़े तो बिल्डिंग बन गए सारी ओर से। तीसरे प्रकार उन्होंने सभी नंदगांव आदि सभी जगह भ्रमण किए, बरसाना आदि सभी भ्रमण करते करते, दोनों भ्रमण करते थे, और कुछ वन उन्होंने 350 वन का ढूंढा था। 350 वन मतलब एक एक गांव को भी एक वन हिसाब से 350 गांव है 84 कोश में, ये सब चीज़ को उन्होंने ढूंढे। ऐसे करते हुए एक दिन उन्होंने उमराऊ छत्र वन में किशोरी कुंड के पास में बैठे, अकेले ही बैठे भजन कर रहे थे। इधर राधा बिनद जी उस किशोरी कुंड के अंदर थे। गोकुलानंद मंदिर में कौन कौन सा विग्रह है? गोकुलानंद किसका विग्रह है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। और एक्चुअली लोकनाथ गोस्वामी विग्रह का वो पुराने पहले विग्रह जो है राधा बिनद है, उनके नाम नहीं है ज़्यादा, राधा गोकुलानंद नाम हो गया लेकिन वो राधा बिनद बिहारी है। तो वो थे किशोरी कुंड में, वो बैठे बैठे वहाँ भजन कर रहे थे, तो ठाकुर जी एक ब्रजवासी होकर बिनद बिहारी को उठाए, उठा लेके उनके पास देके, तू वो बात कर रहे थे भजन में मग्न थे, उधर बात कर रहे थे, बात करते करते कौन है कहाँ है ये चल दे दो, अंतर्धान हो गया। अभी सोचे मैं इतना विरक्ति हूँ, मेरे मुझे रहने के लिए स्थान नहीं है, मेरे खाने का कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये तो लाला है, इसकी तो मक्खन मिश्री क्या क्या रोटी अच्छे से खिलाना, मालपुआ खिलाना पड़ेगा, ये मैं कहाँ से खिलाऊँगा इसको, भजन करूँ, महाप्रभु की आज्ञा का पालन करूँ या क्या करूँ, इसको क्या करेंगे। तब इन्होंने फिर उन्होंने ध्यान लग गया, स्वप्न जैसे हो गया, भगवान विनोद बिहारी बोलते कौन मुझे लाएगा, मैं स्वयं अपने आप को लेके आया था, आपने लग के दिया आप इनको सेवा करो। मन में कैसे सेवा करूँ, मेरे पास कोई मंदिर, एक झोला मंदिर बनाया एक झोला खरीद के लाया, वो भी वे तो पुराना से झोला लाया, इसमें गले में लेकर लटकते रहते थे, घूमते थे उनके भी, तो उनके खाने पीने का कोई नियम नहीं था, वो मधुकरी के कुछ रोटी वोटी नहीं तो कुछ बना के उसको भोग लगाते थे उसे, लेकिन
रघुनाथ गोस्वामी के उधर रह के बहुत खुश था, बहुत खुश था, क्योंकि भगवान प्रेम पुजारी है, प्रेम की भूखा है, प्रेमे कृष्ण भजे से ही बापेर ठाकुर, प्रेम शून्य जीव केवल छाचेर कुकुर। तो प्रेम से जो कृष्ण भजन करते हैं वो बाप पिताजी के भी पूजनीय है, वो बाप के भी ठाकुर है, रघुनंदन ठाकुर जैसे है, मुकुंद बोलते मेरा पिताजी है, मेरा गुरु है, तो मतलब बाप के ठाकुर है। और जब प्रेम सुनो है सांस पीने वाले कुत्ते है, क्योंकि जगदानंद पंडित की एक एक वर्ड जो है ना बहुत करक है, बॉम्बास्टिंग वर्ड है उनके। प्रेम विवार्तों में है, प्रेम विवार्तों। तो इसी प्रकार प्रेम में प्रेम के पुजारी है, कैसे भी आप कुछ खिलाए तो उससे खुश थे। लेकिन एक कुटिया भी शिकार नहीं करते, ब्रजवासी लोग चाहते थे दिव्य दो ब्रह्मचारी भूगर्भ गोस्वामी और इनके दिव्य तेज को देखकर बहुत आदर करते थे, लेकिन किसी का आदर लेना नहीं। और कोई लोग है, हम वैष्णव हैं, आदर करना नहीं जानते हो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, अच्छा कमरे दो रहने के लिए, ये मैं चिन्हार भक्त हूँ, वो देते हैं लेते नहीं हैं। वो चाहते हैं ब्रजवासी लोग कुटिया बनाने बना के देने चाहते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। इस वर्षा के ऋतु में पहले बड़े बड़े वृक्ष हुआ करता था, आप लोग देखे वृक्षों के, पुराना वृक्ष हो जाता तो उसका अंदर खोल हो जाता है, देखे। तो वर्षा में क्या करेंगे, ठाकुर जी को तो नहीं भिगा सकते हैं, उनको है लटका के रख देते थे और खुद बैठ के वर्षा में भीगते थे। वर्षा में ऐसे रहकर ऐसे विनोद भेड़ू। तो उसके बाद देखिए सेवा की कुछ नियम होना चाहिए, सेवा के नियम होना चाहिए, तब उन्होंने विनोद बिहारी जी के लिए कुटिया, अपने रहने के लिए कुटिया किया, उनके भोजन के लिए सेवा के लिए थोड़ा व्यवस्था किए हैं, थोड़ा सा व्यवस्था किया, व्यवस्था किया और भजन किया। अभी भी उनकी भजन कुटीर उधर सत्रवन में है, खादिर वन में उनका भजन कुटीर अभी भी है, वही भजन करते थे, और इधर गोकुलानंद में भी। तो इसी प्रकार, और इसी समय इनकी इनका पति का था कि मैं कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा, चलेगा इनके पति का चलेगा। तो उन्होंने इतने विनम्र थे, वो शिष्य बनने से गुरु के ऊपर उठना ही पड़ता है, सम्मान स्वीकार करना ही पड़ता है, सेवा इन्हीं तो रोते हैं शिष्य लोग, क्या करें, स्वीकार करना ही पड़ते हैं, तो इसलिए वो शिष्य नहीं बनाएंगे, उनका कहना था। रूप सनातन को प्रॉब्लम था, क्या उन्होंने मुस्लिम के उधर नकड़ी किया था, और उसी का समाज बहुत कट्टर होता था, इतने ऊँचा तो है लेकिन बाहरी दृष्टि से लोग कुछ कहेंगे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी प्रॉब्लम नहीं था, अच्छे ब्राह्मण हैं तो बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन वो शिष्य ही नहीं बनाएंगे। लेकिन वो पहले से ही महाप्रभु बोल दिए थे कि लोकनाथ नरोत्तम जन्म लेगा, वो लोकनाथ गोस्वामी का शिष्य बनेगा। तो ऐसे भाई दी भाई उन्होंने नरोत्तम जी आ गए और जीव गोस्वामी के पास शिक्षा लिए, और उनसे लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना था, उन्होंने कोई सेवा स्वीकार नहीं करना है, कुछ भी करने चाहता, फूल लेके जाने, बोले नहीं मत करो, कुछ भी झाड़ू लगाते हैं, पानी लेके आते, कोई सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, कोई सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। तब उन्होंने हम लोगों को कोई, हम सेवा करने चाहते हैं, हम आपसे को सोचते हैं कि बहुत बड़े हैं, तो छोटा सेवा किया फिर भी और निगलेक्ट किया तो हमारा अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा वो। लेकिन नरोत्तम के मन में यही सोचते थे, उनकी यही प्लस पॉइंट था कि मैं इस सेवा करने का योग्य नहीं हूँ। और नीचे पहले फूल लाते थे, जल लाते थे, फिर झाड़ू लगाने लगे, और दूर से बहुत दूर से उनकी परिक्रमा करते थे कुटिया की, बहुत दूर से दिखाई नहीं दे, एक दो किलोमीटर दूर से लेकर परिक्रमा करते थे उनके कुटिया की।
तो कुछ भी करने नहीं देते थे, तो बोलते थे, वो सोचते थे कि मैं कोई भी सेवा करने की योग्य नहीं हूँ। तब उन्होंने सोचा ठीक है, ये प्रेम विलास में बोलते हैं कि 6 घंटा सोने का समय है, पहले प्रहार को छोड़ना है, अंतिम प्रहार को छोड़ना है, बीच में 6 घंटा, कितना से कितना, 9 से 3। हम लोगों के लिए, उन लोगों के तो 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे ज़्यादा नहीं सोते थे। तो उन्हें 3 बजे उठते थे, 3 बजे उठकर बहिर्देश बहिर्कार्यों के लिए शौच आदि के लिए एक निर्दिष्ट स्थान में जाते थे। और वो कैसे कैसे पता लगाया नरोत्तम दास ठाकुर, पता लगा के जब शौच करके आ जाते थे, नरोत्तम दास ठाकुर उसी स्थान को मल को उठा के बहुत दूर फेंक देते थे, गोबर ला के उस सफाई करके रख देते थे, उनको हाथ धोने के लिए मिट्टी जहाँ पे हाथ धोते थे उन्हें फॉलो किया, जहाँ पे हाथ धोते हैं मिट्टी से कंकर आदि हटा के अच्छे मिट्टी रख देते थे, और ऐसे करके वो सेवा करते जा रहे थे। कुछ दिन बाद लोकनाथ गोस्वामी को पता चला, जब उनको पता चला उन्होंने बहुत शर्मिंदा हो गया, बोलने के लिए भी बहुत उनको शर्म लगा कि बोलू सर्व कोई ब्रजवासी यदि करते हैं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, कैसे किसी से पूछूं, कैसे बताऊं इस बात को। तो बड़े संशय हो गया, मन में बहुत ग्लानी है, कौन ऐसे कार्य कर रहा है, जघन्य कार्य कर रहा है, कौन है। तो मन ही मन विचार करते करते उन्हें सोच लिए पकड़ना पड़ेगा इसको पकड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने हर दिन की भांति 1 साल लगभग हो गया, 1 साल लगभग हो गया, तब उन्होंने एक दिन शौच आदि के बाद दूर जाके खड़े हो गए। उससे पहले नरोत्तम जाके वृक्ष के नीचे पीछे छुप के रहते थे और झाड़ू वगैरह लेके तैयार रहते थे, तुरंत वो सफाई के लिए वो जाके दूर छुपे हैं। वो जानते हैं, नरोत्तम जानते हैं कि हर दिन के जैसे चले गए हैं, लेकिन वो क्या हुआ, इधर नरोत्तम दास ठाकुर उसे निकाल के झाड़ू, बोला कौन है। तभी नरोत्तम बोलते हैं, प्रभु मैं नरोत्तम हूँ। उनके हृदय पिघल गया, पोते गए हुए पानी में बहा के चला गया। बोले तू राजकुमार है, राजकुमार होकर तू ऐसे जघन्य कार्य कर रहा है। और वो क्या करता था, झाड़ू लगा कि उस झाड़ू को अपने छाती में रखते थे, रोते थे कृपा भिक्षा के लिए कि लोकनाथ गोस्वामी कब मुझे, लोकनाथ गोस्वामी मुझे कृपा करेगा, कब कृपा, ऐसे कोई ठान लेगा जरूर उनकी जीत होगा। तो इसी प्रकार उन्होंने, उनका हृदय पिघल गया, तू कब से ऐसे कर रहा है, 1 साल तक उनकी ऐसे मल को उठा के उस जगह को छपाई करके रखते थे। तभी वो हमारा वो सोचते थे मुझ में अहंकार होगा, इसके लिए शायद भगवान मुझे ऐसे नीचे ऐसे सेवा उन्होंने डिसाइड कर लिए थे, उनकी अहंकार नहीं आया था। उन्होंने सोचते थे ये फूल लाने के लिए, मैं पानी जल लाने के लिए, मैं ये झाड़ू लगाने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, मैं इसी सेवा की योग्य हूँ। तो प्रेम से इसे सेवा करते थे, घृणा को छोड़कर प्रेम से करते थे, झाड़ू को अपने छाती में लगाते थे। इसको देखकर उनके हृदय पूरा पिघल गया और बोल रहे, तुरंत सेवा स्वीकार किया, बोला पानी डालो, उसने मिट्टी लगाया हाथ में, तुरंत तुरंत पानी डालने का सेवा में दिया, यमुना जी का स्नान करके आए और उनको दीक्षा प्रदान किया, सेवा स्वीकार किया भक्तों की। इसी क्योंकि भक्तों कितने भी कठोर हो, वैष्णव दयालु होते हैं, कृपालु अकृत द्रोह सत्यसार, तो इसी प्रकार कृपालु है उन वैष्णव की, सब लोग गुणों में से कृपालुता है, कैसे भी अपने प्रतिज्ञा को छोड़कर भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं। तो प्रभु और वैष्णव में इसी गुण है, तो इसने शिकार किए। इसके बाद
उनकी सेवा करते रहे, उनके सेवा के बारे में उनको बहुत सिखाया, उन्होंने बहुत सिखाया। उन्होंने एक शब्द कहा, अल्प फल सुफल बहु फल विफल, मतलब कम शिष्य बनाना। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बहुत शिष्य बनाए, वही वही जानते हैं दिव्य लोग इस दिव्य स्थिति में है, कौन किसका उपदेश कौन जानते हैं। तो बोलते हैं सुफ अल्प फल सुफल बहु फल विफल, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत विस्तार से। हम सोसाइटी में जुड़ तो जाते, हमें नियम सीखना चाहिए, हमें कैसे बैठना चाहिए, हमें कैसे खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, सभी सीखना चाहिए। खाते समय ऐसे नहीं है कि दो हाथ से रोटी तोड़ दिए, नहीं, ये बिल्कुल ये हाथ से खाने का प्लेट को बिल्कुल टास नहीं करना चाहिए, पूरा शरीर झूठा हो जाते हैं। वस्त्र के साथ नहाना है ऐसे शरीर में लगा दिया तो, मोबाइल चलाते हैं उसी हाथ से, खा पी के तेल लगा हुआ ऐसे कर दिया, ऐसे पोंछ दिया, ये कोई वैष्णव आचरण है? कहने से लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मैं प्रचार में जाता हूँ, मुझे इसको शरण नहीं होता है। अभी इधर वैष्णव महाराज जी के भी सेवक आते हैं, वो रोटी तोड़, रोटी देखो एक हाथ से खाओ, मैं इसको शरण नहीं कर सकता हूँ, तुरंत टोकूंगा कहीं पे हो, एक हाथ से खाओ, दो हाथ से क्या खाना है। पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसे पानी पीना है, सभी नियम सिखाए, सेवा के लिए उनको स्वरूप दिए और मानसिक। तो इसी प्रकार लोकनाथ गोस्वामी सेवा करके, और क्या है, महाप्रभु के साथ उनको भेंट नहीं हुआ, सन्यास रूप का दर्शन नहीं कर पाए। जब महाप्रभु सन्यास लेकर दक्षिण भारत गए, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी दक्षिण भारत गए, लेकिन कम्युनिकेशन इतना गैप था। महाप्रभु दो साल भ्रमण किया, दो साल भ्रमण करके जगन्नाथपुरी में दो साल रहे, फिर एक साल बंगाल गए, फिर महापुरुष वृंदावन आए। वृंदावन आकर जब प्रयाग में लौट के गए, तो अब चार पाँच साल बाद में सारा दक्षिण भारत ढूंढ ढूंढ के महापुरुष को मिला नहीं, मुँह खट्टा करके आए वृंदावन। वृंदावन आके सुना महाप्रभु 15-10 दिन पहले वृंदावन छोड़ के चले गए, कितना दुर्भाग्य है। दूसरे दिन प्रयास किया, मैं काल सुबह यात्रा करूँगा, महापुरुष को पीछा करूँगा प्रयाग जाने के लिए। महापुरुष सपने में आए, लोकनाथ ये मेरा स्वरूप, तू दर्शन कर ले, तुझे आना जरूरत नहीं, वृंदावन रहा तो जा नहीं पाए। ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन है, 5 साल बाद में आए, और चाहा बैठे रहने से आराम से मिल सकते थे, संगति मिल सकता था, लेकिन वो भी मिला नहीं। तीसरे प्रकार लोकनाथ गोस्वामी 1583 मतलब 100 साल लगभग इस धराधाम में रहे, और उनकी बहुत ख्याति है। आप लोग उनकी समाधि जो जा सकते हैं, गोकुलानंद में जाकर दर्शन कर सकते हैं, और उनकी सेवा विग्रह वास्तविक जो विग्रह है विनोदीलाल, वो कहाँ पे है, जयपुर में। जयपुर में विनोद बिहारी जी है जिन्होंने खुद सेवा किया, उनको इधर स्वयं आए हैं, तो हम लोकनाथ गोस्वामी के समाधि का दर्शन कर सकते, उनके उनसे विनम्रता आदि सीखने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जय परम पूज्य श्री लोकनाथ गोस्वामी के, जगद गुरु श्री प्रभुपाद की, समेत गौर भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी।